आपको ये चीज ज्यादा टाइम तक याद नहीं रहेगी, बट ये इसी के लिए अगर एक इमेज होती है ब्लू बिग एलिफेंट की तो ज्यादा याद रहती है। अगर वो बिग ब्लू एलिफेंट चल रहा हो तो ज्यादा याद रहता है, और यहाँ पे खड़ा होता आराम से टच करता तो ज्यादा टाइम तक याद रहता है। तो क्या कंसेप्ट है कि जब तक हमारे ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व रहते हैं तो लर्निंग बहुत अच्छी होती है। तो क्या होता है कि जो बच्चों के बुक्स होते हैं उनमें स्टोरीज होती है, तो हम उसके साथ पढ़ा रहे होते हैं कि ये लोग मतलब याद करते हैं, ठीक है। तो अगर उसको जब हमारी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी इन्वॉल्व हो गई है, सबके पास फोन है, बच्चों को हम लोग कॉल कर लेते हैं, तो ऐसा होता है कि उसको स्कैन किया उस स्टोरी को, और स्टोरी को स्कैन करने में उसकी एक वीडियो बन गई, क्योंकि उसको मतलब बोल भी दिया साउंड के साथ और वीडियो भी चलती है विद सम इमेजेस एंड ऑल, तो उसकी लर्निंग थोड़ी अच्छी होती है। तो ये हमारा कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कि क्या। और नेम हमारा है, किसी ने सैमुअल क्लेमेंस का नाम सुना है? नहीं सुना होगा। मार्क ट्वेन का नाम सुना है? एडवेंचर्स ऑफ हकलबरी फिन, उनका मार्क ट्वेन सैमुअल क्लेमेंस का पेन नेम था, तो उससे हमने रखा है नाम क्लेमेंट के। So basically this is an, you need to upload a picture, and from a picture it will extract some text and convert it into a story. Basically, so let's look at a demo. So here's small short story. So this is some short story. I will take a picture of it. Like this is the way I touch my take a picture. You go to here and snap a pic like this. I upload it and it converted into a story mode. And if I play this story. Once there lived a rabbit and a tortoise in a forest. The rabbit was very proud of his speed. He made fun of the tortoise for his slow speed. So this is a short story, just for example. And now if you need more stories like this, you can always, there's a button here which tells show more videos. You click on it and it will show you videos from YouTube related to that story. So this is just a short story. How does this work? Actually it uses computer vision to convert, to extract text from the image. Then with that story, that text, we extract the entities. So here we had two, three entities like tortoise, rabbit and forest. So with those entities we used the Bing search API, image search API to extract their images. And then we used one service that you give that service your audio file, and that service will give and you can give the keywords, means अगर कोई कीवर्ड है तो मेरे को सर्च करना उस ऑडियो में कहाँ कौन से सेकंड्स में आ रहा है, वो तो मेरे को बता देगा कि इस सेकंड में ये कीवर्ड आ रहा है। तो एक्चुअली टेक्स्ट से वीडियो बनाने में मेन चैलेंज ये था कि अगर हम इमेजेस ले भी रहे हैं तो कौन से पॉइंटर में दिखाएंगे, कौन से सेकंड में दिखाएंगे उसको, तो मेन उसमें चैलेंज ये था। तो हमें उस सर्विस से ही मिली कि इस सेकंड में इस एंटिटी के बारे में बात हो रही है। तो फॉर एग्जाम्पल 1.2 सेकंड में रैबिट के बारे में बात हुई, फिर 3 point something सेकंड में फिर से रैबिट के बारे में बात हुई, देन 2 point something में टॉर्टोइस के बारे में बात हुई, और 4 point something में फॉरेस्ट के बारे में बात हुई। अब क्या हुआ, इस तरीके से हमने सारे जितने भी एंटिटीज के वो थे उनको ले लिया एरे में, और फिर हमने क्या किया उसको टाइम वाइज सॉर्ट किया ताकि हमें बताया कि कौन से सिक्वेंस में दिखाना है। बट फिर हमें प्रॉब्लम ये आ गई कि जैसे एक सेंटेंस है, वंस अ टॉर्टोइस एंड रैबिट लिव्ड इन अ फॉरेस्ट, तो एकदम से क्या होगा कि 1.2 सेकंड में टॉर्टोइस आया और 1.3 सेकंड में ही फॉरेस्ट भी आ गया, तो क्या होगा कि एकदम से इमेज चली जा रही। फिर हमने क्या किया उसमें उनको क्लब भी किया है कि 2.5 सेकंड से अंदर अंदर जितनी भी एंटिटीज होंगी उनको एक हम फ्रेम में दिखाएंगे, और उसके बाद फिर इस तरीके से हमने लॉजिक लगा के उसको ग्रुपिंग भी लगा, फिर वो ग्रुपिंग करके एंड देन वो पीछे से ऑडियो चला के एक वीडियो बनाने की कोशिश की है। एंड देन वो टेक्स्ट आता है उससे, मोस्टली होगा कि स्टोरीज कोई भी रोज नहीं लिख रहा होता, मोस्टली होगा कि हम आप आज भी अगर प्राइमरी स्कूल में जाओगे तो वो थर्स्टी प्रो वाली स्टोरी आज भी पढ़ाई होगी, तो आप जब स्कैन करोगे अपने बच्चे को तो मोस्ट प्रोबेबली उसके किसी न किसी ने यूट्यूब में वीडियो भी डाली होगी, तो आपके पास रिलेटिव रिलेटेड उसकी वीडियो भी आएगी। मतलब एक बेस बोरिंग एक टेक्स्ट को पढ़ाने से अच्छा है बच्चों को और उसकी हियरिंग और
senses वगैरह से involved.